सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर किया वार। पीएम मोदी बोले, कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे, हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। बोले, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, जब कार्यवाही करती है तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले, पीएम मोदी दोनों हाथों से देश लूट रहे हैं। कहा, भाजपा ने 7 साल में कांग्रेस के 75 साल बराबर लूटा। बंगला छोड़ने के नोटिस पर राहुल बोले, आदेश मानूंगा, घर से अच्छी यादें जुड़ी। खड़गे ने कहा, अपना घर खाली कर दूंगा। डीके शिवकुमार ने लोगों पर बरसाए पैसे का नाटक। के कांग्रेस अध्यक्ष मांड्या में रोड शो करने गए थे। हरीश रावत समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में। राहुल गांधी के समर्थन में लाल किले के पास मशाल यात्रा निकाल रहे थे। मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। आरएसएस के मनोमोहन वैद्य का बड़ा बयान। बोले, आदित्य आध्यात्मिक केंद्रित दृष्टिकोण के कारण भारत हिंदू राष्ट्र है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्षी पार्टियां। पक्षपात का लगाया आरोप। शरद पवार की हिदायत से कांग्रेस बैकफुट पर। कांग्रेस ने सावरकर को लेकर बदली अपनी रणनीति। सावरकर पर अब साधेगी चुप्पी। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा सीमा विवाद पर दिया बयान। बोले, मेघालय असम के बीच मई तक शुरू हो सकती है बातचीत। स्मृति ईरानी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, स्मृति ईरानी जी, आपका विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं। कांग्रेस के आरोप पर बोले सीईसी राजीव कुमार। कहा, इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी के कहने पर काम नहीं किया, ना कभी करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रमाणी के काफिले पर हुए हमले की होगी सीबीआई जांच। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कर्नाटक के एआईडीएमके के पनीर सेल्वम को एक और झटका। मद्रास हाईकोर्ट ने ओपीएस की इस याचिका को किया खारिज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का दावा, जनता का गठबंधन योगी मोदी के साथ है। सपा का भी कुनबा इस बार होगा साफ। कानपुर जू में सारस से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। कहा, सारस को सांड सफारी बनाना चाहिए। उमेश पाल पर हमला, इंटेलिजेंस का फेलियर, उन्होंने कहा। सीएम योगी ने लॉन्च की खोराबाट टाउनशिप में डीसीटी। बोले, इज ऑफ लिविंग के लिहाज से इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्लान समय की जरूरत। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर शिकंजा। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का सख्त रुख, दो डॉक्टरों को किया बर्खास्त।
पड़ोसी से मारपीट के मामले में भाई और बेटे के साथ कोर्ट में पेश हुए आजम, 1 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मासूम सहित 4 की मौत, सहारनपुर में कार में फंसकर बाइक 200 मीटर तक घसीट दी गई। सहारनपुर में 3 सगे भाइयों सहित 4 को उम्र कैद, 12 साल पहले चुनावी रंजिश में की थी हत्या। ट्रायल रन में नीलगाय से टकराई वंदे भारत, आधे घंटे तक होडल स्टेशन पर खड़ी रही, आगरा ट्रैक पर 160 की स्पीड से दौड़ी। मेरठ में 10 फीट की सुरंग खोदकर चोरी, नाले के अंदर से रास्ते बनाकर ज्वेलरी शॉप में घुसे, सोने चांदी के जेवर किए पर। शामली में हरियाणा एसटीएफ पर हमला, गांव वालों ने 25,000 की नामी को छुड़ाया पिस्टल, छीली लाठी डंडों से पीटा। दो नरकंकाल के अंतिम संस्कार की उठी मांग, पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार ने ब्रिटिश सरकार से मांगी शहीदों की डिटेल। मथुरा में 3 किलोमीटर में 2 इको कार चोरी, ब्रेजा कार से आए थे चोर, 1 मिनट में तोड़ा लॉक, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पारिवारिक विवाद पर घर पहुंची पुलिस, पति ने लगाई फांसी, कमरे में लटकता मिला शव, मामूली कार्रवाई के डर से बेटे ने दी जान। औरैया में किराने की दुकान की छत काटकर चोरी, सामान व नकदी भर ले गए चोर, दूसरी दुकान का शटर तोड़ा। औरैया में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, फोन पर बात कर रहा था, गरीब रथ एक्सप्रेस के आने पर कूदा प्रेम प्रसंग में दी जान। बागपत में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर बैलबुग्गी में, बैलबुग्गी के उड़े पर खच्चे, एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। नोएडा में 24 घंटे में मिले 19 नए कोरोना के मरीज, 57 हुए सक्रिय मरीजों की संख्या, 2 गुना सप्ताह में 3 बढ़े मरीज। गाजियाबाद मेले में श्रद्धालु की मौत, मंदिर में बैठे बैठे गश खाकर गिरा, ऑक्सीजन लेवल 68 पहुंचा था। बच्चा चोरी के शक में महिला से बाजार में बस सलूकी, पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में, वीडियो वायरल। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, बहू की मौत, सास की हालत गंभीर, अष्टमी पर दोनों प्रसाद चढ़ाने जा रही थी मंदिर। एनसीईआरटी की नकली किताबों में आरोपी अरेस्ट, मेरठ की गिरोह बरेली में छाप रहा था किताबें, पूर्व में एसटीएफ ने पकड़ी थी 50 करोड़ की किताबें। उन्नाव में वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत, पश्चिम बंगाल का रहने वाला था मजदूर, ठेकेदार ने की पहचान। बहराइच में हत्यारा पति गिरफ्तार, पत्नी की हत्या कर शव को नाले में गाड़ा, बारिश की वजह से हुआ था खुलासा। हादसे के बाद भी नहीं जगा जिला प्रशासन, एसडीएम ने 18 कोल्ड स्टोर का किया निरीक्षण, बोले लापरवाही पर नहीं बख्शा जाएगा। गाजियाबाद में कक्षा 2 के छात्र के साथ कुकर्म, 7 वर्षीय लड़के को सुनसान जगह ले जाकर पड़ोसी ने की वारदात।
मोटेरा में कार स्टंट का वीडियो वायरल, चलती कार में खिड़की के बाहर बैठा युवक, नंबर के आधार पर जांच शुरू। बागपत में पुलिस ने तीन पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, सात पशु बरामद, तस्करी के लिए हरियाणा से ले जा रहे थे बागपत। फर्रुखाबाद में हाईटेंशन लाइन के टूटे पड़े तार में आया करंट, छात्रा की मौत, खेत में खड़ी गेहूं की फसल भी जली। मथुरा में मुठभेड़ में सुपारी किलर घायल, ढाबा संचालक की गोली मारकर हुई थी हत्या, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। गाजीपुर में दो घरों में चोरी, लाखों के जेवरात और 1.5 लाख की नकदी लेकर फरार हुए चोर, सीढ़ी का दरवाजा तोड़ अंदर घुसे थे। उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने 118.91 करोड़ की स्वीकृति और भुगतान का दिया आदेश, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। उत्तराखंड के रामनगर में G20 की बैठक हुई शुरू, 20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार 4 एजेंडों पर करेंगे मंथन। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जुलाई तक बनाने का लक्ष्य, डेटा एंट्री का 30% का काम पूरा। राहुल गांधी के समर्थन में आए हरीश रावत, बोले जो कहा वो ऐतिहासिक तथ्य है, कांग्रेस ने भी वीर सावरकर का सम्मान किया। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने सीएम धामी और सरकार को सराहा, कहा राज्य विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के सोमेश्वर अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर हुआ हादसा, नदी किनारे खाई में गिरी कार, चालक की मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि में उपचार कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी स्टाफ पर शक, पुलिस कर रही है छानबीन। उत्तराखंड में 5000 के बकाए पर कट रहे बिजली कनेक्शन, ऊर्जा निगम वसूल रहा है 400 करोड़ की बकाया धनराशि। उत्तराखंड में 8 आईएएस को समय से पहले पदोन्नत, वेतनमान सचिवालय संघ ने उठाए सवाल। केदारनाथ और यमुनोत्री में लगेंगे मोबाइल एटीएम, बैंकर समिति की बैठक में एसीएस ने दिए निर्देश। उत्तराखंड को डरा रहा है कोरोना, 24 घंटे में 9 नए संक्रमित मरीज मिले, 32 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। पेपर लीक केस में गैंगस्टर एक्ट में जब्त होगी आरोपियों की संपत्ति, 75.6 लाख की संपत्ति एसआईटी कर रही है जांच। उत्तराखंड में शादी के बाद पति को छोड़कर प्रेमी संग जाने पर अड़ी दुल्हन, पुलिस ने युवती को भेजा ससुराल। हाईवे बनने से आसान होगी केदारनाथ धाम की यात्रा, कुंड से सोनप्रयाग के बीच बनेगा वैकल्पिक रास्ता। उत्तराखंड में 18 अप्रैल को शुरू हो सकती है प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, लैंडिंग पॉइंट चिन्हित। एससीओ मीटिंग में शामिल हो सकते हैं पाक, चीन एनएसए अजीत डोभाल करेंगे होस्ट, जम्मू कश्मीर विवाद पर पिछली मीटिंग से दूर रहा था पाकिस्तान।
चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने बढ़ाया रक्षा खर्च, 69 लाख करोड़ का बजट किया पेश। म्यांमार में जुंटा की कार्रवाई, पूर्व नेता आंग सान सू की दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को किया भंग। भूटान ने डोकलाम पर भारत को दिया झटका, कहा सीमा विवाद सुलझाने में चीन बराबर का साझेदार। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार का पुतिन प्लान, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले यह खतरनाक किस्म की बात है। मेक्सिको के माइग्रेशन सेंटर में आग, मरने वालों का आंकड़ा 39 हुआ, पुलिस ने कहा तादाद बढ़ भी सकती है। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर 39 लाख का जुर्माना, महिलाओं का पासपोर्ट जब्त होगा, इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाएंगी, संसद ने कानून बनाया। सऊदी में उमरा करने जा रहे यात्रियों पर बस पलटी, 20 की मौत, 29 घायल, ब्रेक फेल होने से पुल से टकराई थी बस। यूक्रेन को मिले जर्मनी के 18 लेपर्ड टैंक, जंग में रूस के T-19 टैंक को टक्कर देंगे, विदेश मंत्री ने कहा हमने वादा निभाया। बाइडेन की डेमोक्रेसी समिट से दूर हुआ पाकिस्तान, लगातार तीसरे साल हिस्सा नहीं लेगा, वजह दोस्त चीन को नहीं बुलाया गया। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर देना पड़ सकता है चार्ज, 1 अप्रैल से 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 1.1% फीस। जरूरी दवाओं के दाम 12% बढ़ना तय, बढ़ोतरी अब तक की सबसे ज्यादा, महंगाई से 900 फॉर्मुलेशन की कीमतें बढ़ सकती हैं। एनएसई बीएसई ने अडानी ग्रुप पर उठाए सवाल, स्टॉक एक्सचेंज ने एंटरप्राइजेस से लोन रिपेमेंट को लेकर क्लेरिफिकेशन मांगा है। एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक्टिवा 125 लॉन्च, स्कूटर में कार जैसे एडवांस की लेस इंजन स्टार्टअप फीचर है। एप्पल म्यूजिक क्लासिकल ऐप लॉन्च, आईफोन पर सुन सकेंगे क्लासिकल म्यूजिक, iOS 16.4 अपडेट भी रिलीज। लॉजिस्टिक्स कास्ट घटाने का काम कर रही है सरकार, अमित शाह बोले लॉजिस्टिक कास्ट 13% से घटकर 7.5% पर लाएंगे। रिलायंस ने लॉन्च किया जियो फाइबर बैकअप प्लान, सिर्फ 198 रुपए खर्च कर ब्रांडेड से ले आईपीएल का मजा। माइक्रोसॉफ्ट में फिर छटनी, सिएटल ऑफिस में 569 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला। बीमा कंपनियों पर तय करेगी कमीशन, IRDA ने खत्म की सीमा, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नया नियम। नकली और खराब गुणवत्ता की दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों पर सरकार का शिकंजा, 18 के लाइसेंस रद्द किए। अर्जेंटीना के लिए मेसी का एक और रिकॉर्ड, फ्रेंडली मुकाबले में क्यूरासो को हराए, मेसी के 100 इंटरनेशनल गोल पूरे। आईपीएल 2023 के लिए मुंबई इंडियंस जल्द ही जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का करेगी ऐलान, रोहित शर्मा ने की पुष्टि।
आईपीएल 2023 को लेकर केकेआर ने अब भी नहीं छोड़ी है श्रेयस अय्यर की उम्मीद, कुछ मैचों में ले सकते हैं हिस्सा। भारत ने किर्गिज गणराज्य को हराकर जीता फाइनल, ट्राई नेशनल इंटरनेशनल फुटबॉल में भारत ने किर्गिज गणराज्य को 2-0 से हराया। जोश हेजलवुड ने किया खुलासा, कहा भारत के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा से चिढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। आईपीएल में प्लेयर्स की थकान मापेगा बीसीसीआई, खिलाड़ियों को दी गई स्पेशल डिवाइस, डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले वर्कलोड मैनेजमेंट पर नजर रखना मकसद है। बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच जीता, डीएलएस मेथड से आयरलैंड को 22 रन से हराया, 3 मैच की सीरीज में 1-0 से ली बढ़त। तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को हराकर वेस्टइंडीज ने जीती सीरीज, निर्णायक मुकाबले में 7 रन से मारी बाजी। मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैचों में नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव होंगे कप्तान। आईपीएल 2023 से पहले नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे जो रूट, राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया वीडियो। पाकिस्तानी एक्टर यासिर हुसैन ने उड़ाया फिल्म पठान का मजाक, बोली शाहरुख खान की पठान स्टोरीलेस वीडियो गेम से ज्यादा कुछ नहीं। रश्मिका मंदाना को पेपरोजी ने दिया सरप्राइज, मुंबई एयरपोर्ट पर कटवाए बर्थडे केक, सिंपल लुक में दिखी खूबसूरत। परिवार आगे बढ़ाना चाहती है, मोनालिसा अभिनेत्री ने कहा कोशिश कर सकते हैं, बाकी भगवान पर छोड़ा है। खत्म हुआ प्रभास के फैंस का इंतजार, 16 जून 2023 को 3D फॉर्मेट में सिनेमाघरों में दस्तक देगी आदि पुरुष। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया का बड़ा बयान, बोली तलाक की कार्रवाई का काम शुरू हो गया, जल्द ऑफिशियल तलाक होना तय है। लंदन से छुट्टियां मनाकर वापस लौटी आलिया भट्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर व्हाइट जैकेट ब्लैक जींस में दिखा स्टाइलिश लुक। माधुरी दीक्षित के अपमान पर भड़की जया बच्चन, बिग बैंग के थ्योरी के एक्टर को कहा पागल, बोली इनकी जुबान बड़ी गंदी है। परिणीति राघव चड्ढा के रिश्ते पर आप सांसद की मुहर, संजीव अरोड़ा का ट्वीट, आप दोनों को बधाई। प्रियंका चोपड़ा का बड़ा बयान, बोली बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से थक गई थी, मुझे फिल्मों में कोई काम नहीं दे रहा था। अजय देवगन फैंस को देंगे डबल ट्रीट, भोला के साथ रिलीज होगा मैदान का टीजर, इंडियन फुटबॉल के गोल्डन ईयर्स पर बेस्ड है फिल्म। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो